नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं आपके साथ जैक। खबरों के सफर में हम वो अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं जिसका वास्ता सीधा आपसे है, जिसकी हलचल हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचती है, जो सत्ता के गलियारों से लेकर जनता जनार्दन के दहलीज पर अपना सर छोड़ती है। लेकिन उससे पहले हम 10 बड़ी खबरें से शुरुआत करते हैं, ऐसी खबरों के साथ जो हिंदुस्तान को चौंकाने वाली है, आप हिंदुस्तानी को झकझोड़ने वाली है, हमें सोचने पर भी मजबूर कर देने वाली है। विराट 24 न्यूज की पहली बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा के 182 सीटों पर चुनाव होना है। 1996 से 1998 के बीच शंकर सिंह बघेला और दिलीप पारिक के 1 साल 192 दिन की सरकार को छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी 1995 से सत्ता में है। शंकर सिंह बघेला और दिलीप पारिक ने भाजपा के अलग होकर राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई थी। दूसरी बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को समस्तीपुर पहुंचे। वहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने इशारों में एक बड़ी बात कह दी। नीतीश कुमार ने बीजेपी का नाम लिए बिना ही कहा कि जीवन भर कभी उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, जहां है वहीं से मिलकर बिहार और देश की तरक्की करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तारीखों का ऐलान किया। भाजपा शासित पहाड़ी राज्य में 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। चौथी बड़ी खबर, सिराज लखनवी की यह उर्दू शायरी नमाज के महत्व और नमाज में डूब चुके शख्स का हाल दिल बयां करती है। बात जब धर्म और खुदा की हो तो ये मोहब्बत अक्सर कई लोगों में नजर आती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बंदिशों की वजह से दिल और मोहब्बत दोनों के होते हुए भी हमें इजहारे इश्क से बचना पड़ता है। पांचवी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और गुजरात प्रदेश के सह प्रभारी राघव चड्डा 4 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। आज उन्होंने प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर में शीश झुककर भोलेनाथ शंभू का आशीर्वाद लिया। छठी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर गुरुवार को एक सांप मिला। चिक गार्ड क्ली बैट प्रजाति के इस 5 फुट लंबे सांप को देख हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मियों ने एक एनजीओ के संपर्क किया और लकड़ी के दरारों के बीच से बाहर निकाला गया। सातवीं बड़ी खबर, चोरी के कई अजीबोगरीब मामले सामने आते रहते हैं। कई बार चोर अपनी हरकतों के चलते चर्चा का विषय रहते हैं, तो कई बार वे ऐसा कुछ कर जाते हैं कि लोग और पुलिस दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। चोर ने घटना को अंजाम देने के बाद दुकान में आई लव यू 108 लिखा है, यह देखकर वहां के लोग हैरान हैं। आठवीं बड़ी खबर, पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ पर महिला ने व्रत रखा, लेकिन फैमिली कोर्ट से बाहर निकलते ही उसने महिला के साथ मारपीट कर दी। बदहले में महिला ने भी पति को जमकर पीटा। नौवीं बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर अलीगढ़ आ रहे हैं। सीएम योगी यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही हैबिटेट सेंटर का लोकार्पण करेंगे। दसवीं बड़ी खबर, प्रतापगढ़ के माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जहाँ एक बेटा माँ को डंडे से मार रहा है। यहाँ बेटे ने एक बुजुर्ग महिला को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तमाम बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज़।